नमस्ते किसान, मेरा नाम जयंती किसान है और हम आ चुके हैं किसान पाठशाला के वीडियो शाला एंड R&D प्रोग्राम पर। एक मित्र ने वीडियो भेजा है, उसको देखते हैं फिर समझते हैं उसमें क्या बेस्ट इलाज किया जाए। सर जी, उसकी रूट रुक गई है। अपने तने पर मिट्टी चिटकाई है, बहुत गलत किया है दोस्त। पपीते को कभी भी मिट्टी नहीं चढ़ानी चाहिए। हम किसान ये समझते हैं कि मिट्टी चढ़ाएंगे तो पौधा गिरेगा नहीं, गलत बात है भैया। बस ऐसे डंप होगा ना, मिट्टी चढ़ाओगे तो वही प्रॉब्लम आएगी। पूरा ही खलास हो गया भैया, डंप हो गया है। मिट्टी, गर्म मिट्टी हम चढ़ाते हैं तो वही रसा गिरता है, फिर वही फंगस आती है और तना गलना शुरू होता है। कितने अच्छे पौधे आपने पूरे खराब कर दिए। पूरा सड़ गया है, अभी उसका कुछ इलाज नहीं हो सकता। इतना सड़ा हुए कि कुछ इलाज नहीं हो सकता, हमें पहले ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा किसी अच्छे की सलाह लेनी चाहिए कि मैं मिट्टी चढ़ाऊँ ना चढ़ाऊँ, चढ़ानी है तो क्या उसमें इलाज करूँ फिर मिट्टी चढ़ाऊँ। पहले तो पपीते में मिट्टी चढ़ती नहीं है, इतनी दो पावड़ा मिट्टी डालने से क्या होता है। बहुत अच्छी फील्ड है, इतना बड़ा पेड़ पूरा खराब कर दिया। देखो उसमें मिट्टी चढ़ाई फिर एंजरी करी। अब उसमें ध्यान से देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ उसमें कहाँ हमारी गलती हुई है। पहले यहाँ तक उसका तना खुला था, यहाँ तक हमने मिट्टी चढ़ाई और यहाँ तक मिट्टी लगा दी, यहाँ तक। उसमें क्या होता है, जैसे हम ये गर्म मिट्टी उसके ऊपर डालते हैं ना, ऐसे गर्म मिट्टी डालते हैं तो यहाँ जो उसके ऊपर नीचे जो पानी खा जा रहा है उसमें डिस्टर्ब होता है। कहीं भी एक बारीक खरोच है या उसकी नम उसके ऊपर की छाल है, वही फंगस होना शुरू हो जाती है। फंगस बारीक भी लगती है, रसा निकलता है तो फिर फंगस होती है। धीरे धीरे तना गलने लगता है और पूरा पेड़ ही डंप होके गिर जाता है। इतना बड़ा पेड़ है, आप ध्यान से देखो कितना बड़ा पेड़ है, फिर भी वो डंप होना शुरू हो गया। हमने खुद ने गलती की है, चाहे अनजाने में की हो या किसी और ने आपको बताई हो। सही यह है कि पपीते में मिट्टी चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दो पावड़ा मिट्टी डालने से अगर पौधा नहीं गिरता, वो अपने मन में जो भय या सोच है वो गलत है। दो फावड़ा मिट्टी से कुछ भी नहीं होता। कुछ पवन ज़्यादा आया या ऊपर वेट वजन ज़्यादा बढ़ा तो ऐसे नहीं गिरेगा। उसको शूट रूट होता है, इसके और साइड में उसके और रूट होते, इसके सहारे वो खड़ा ही रहता है, नहीं गिरता। हमें पपीते में मिट्टी नहीं चढ़ानी चाहिए। और एक आपने गलती और की है, जब भी बारिश आने की तैयारी हो या बारिश आ चुकी है, अगर हमने कुछ इलाज नहीं किया तो हमें पहला काम करना है, बारिश आने से 15 दिन पहले हमें काम करना है, बोडो मिश्रण का पेंट करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इतना हमारा पेड़ है तो उसमें हमें क्या करना है, यहाँ तक 9 इंच तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें बोडो मिश्रण बनाना है। 1 किलो नीला थोथा लेना है, 1 किलो खड़ी चूना लेना है। जो खड़ी चूना जो पानी में डालते फिर उबाली आती है वही हमें चाहिए। उसका पेस्ट बनाना है, 5 लीटर पानी में पहले
एक किलो नीला थोथो को कूटना है, बारीक करना है, फिर 5 लीटर पानी में डालना है, उसका घोल बनाना है, सही वो घुल जाए। और 1 किलो जो हमारा चूना हमने लिया है, खड़ी चूना, उसको 5 लीटर पानी में डालना है और वो अलग से उसको भिगोना है, दोनों अच्छी तरह घुल जाए। बाद में दोनों का मिश्रण एक जगह पे करना है, एक बर्तन में करना है, जो प्लास्टिक का बर्तन हो तो बेहतर रहेगा, उसमें हमें करना है। फिर उसके पेंट करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें कलर करना है, जैसे हम दीवार पे कलर करते वैसे उसका पेंट करना है यहाँ तक सही से। और जो ये हमने द्रावण बनाया है वही द्रावण और बना के 200 लीटर पानी में डालना है, और वही द्रावण सीधी यहाँ जड़ों में, डायरेक्टली यहाँ जड़ों में 200 से 300 ml का ड्रेंचिंग करना है चौतरफ। ये बारिश आने से 15 दिन पहले हमें प्रक्रिया कर देनी है। तो उसमें क्या आता है, होता है जैसे बारिश आती है और यहाँ पानी लगता है ज़्यादा, मतलब यहाँ पानी लगता है, जहाँ पानी का भराव यहाँ होता है तो उसमें फंगस आने का ना के बराबर चांस हो जाता है। मतलब फंगस आती ही नहीं ऐसे समझो, अगर हमने बोर्डो मिश्रण का पेंट किया है और पहले से ड्रेंचिंग की है तो फंगस आने ही नहीं जाता है। तो हमें हर किसान को वही पपीते में पहले से ही ये काम करना ज़रूरी होता है। आपने कुछ भी पेंट नहीं किया फिर मिट्टी लगाई है तो इतना बड़ा बड़ा अच्छी फील्ड आपने बहुत ही ख़राब कर दी है। तो अभी भी ये पेंट करना है आपको तुरंत ही, और बोड़ो मिश्रण का तात्कालिक में ड्रेंचिंग करना है, जहाँ बारीक खरोच हुई है और जहाँ मतलब तना गलना बारीक से शुरू हुआ है, जो ज़्यादा गला है डंप हुआ है वो तो सही अच्छा नहीं होगा शायद, लेकिन अभी जहाँ शुरुआत हुई है, और भी पौधे होते होंगे ऐसे धीरे धीरे आपको दिखना शुरू होगा। तो अभी तात्कालिक में बोड़ो मिश्रण का पहले तो ड्रेंचिंग कर दो, फिर उसको पेंट भी कर दो, तो फिर से अगर बारिश आई तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमें दिखनी न पड़े। ये किसानों को हमें ध्यान रखना है, यही काम करना ज़रूरी होता है पपीते के फील्ड में, ठीक है। अगर हर किसान को ऐसी कोई सलाह सूचन किसान पाठशाला से चाहिए तो हमारा नंबर है 9425738222। इस नंबर पे आपको छोटा सा एक वीडियो बनाना है, उसमें अपना नाम बोलना है, आपका क्षेत्र बताना है, पौधा कब लगाए है, अभी जो वीडियो बना रहे उसके जस्ट पहले 15 दिन के अंदर अंदर आपने कौन सी खाद दी है, कौन सा उसमें ट्रीटमेंट या इलाज किया है, कौन सा स्प्रे किया है, वो आपको उसमें बोलते जाना है। और जहाँ हमारा मतलब डिसीज आई है या तकलीफ आई है, रोग आया है, वो हमें अच्छी तरह दिखाना है, अगल बगल के पौधे कैसे, अपने फील्ड पूरी कैसे है, पानी हम कैसे देते हैं, बेड कैसे बनाया है, मिट्टी कैसे, वो पूरा दिखाना है। 1 से 1.5 से 2 मिनट का वीडियो बनाना और इसी नंबर पर भेजना है 9425738222, उस नंबर पर भेजना है, तो आपको एकदम सही इलाज हम दे सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।